अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक। तो चलिए, मैंने जो जो चीज़ें का इस्तेमाल किया हुआ है और क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये चॉकलेट केक है जिसके लिए हमने लिया है मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा पाउडर, शुगर है, एग है, अमूल बटर है मैंने लिया हुआ, और ये कप में जो है वो क्या कहते हैं हम वनीला एसेंस है। ये जिसमें मैं बेक करने वाली हूँ ये है, इसमें हम बेक कर लेंगे। और इसके साथ बाउल है, तो कोको पाउडर भी है साथ में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। मिक्सिंग बाउल में जो है ना, हमने दो एग डाल देने हैं और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो है फेंटना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ये जो विस्किंग है ना, विस्क, इससे हमने जो है अच्छे से इसे फेंट लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही मज़े का और अच्छा फेंटना चाहिए। तो देखिए, मैंने जो है ना ये ब्लेंडर में ब्लेंड किया हुआ है, हमारा एग बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है और इसमें जो है ना ऊपर झाग आ गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। और अब मैंने जो है ना इसमें पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया हुआ है। ये 2 चम्मच मैंने पाउडर शुगर को अच्छे तरीके से छान लिया है, इसे भी हमने ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए ब्लेंड हो चुका है। अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल को भी अभी हमने जो है ना अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ऑयल के साथ मैंने अमूल बटर का इस्तेमाल किया हुआ है, ये भी 2 चम्मच है। तो ऑयल और बटर ये दोनों भी हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। और फिर हमने जो है इसके आगे, अब मैंने मैदा का इस्तेमाल किया हुआ है, छन्नी में मैदा डाल दिया है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों भी एक साथ मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब कोको पाउडर हम 2 चम्मच इसमें ऐड कर लेंगे। तो सारे पाउडर मसाले पाउडर जो है ना वो इसे हमने एक साथ जो है छान लेना है। और इसे अच्छी तरीके से छान लीजिए। और इसके बाद हमने इसे, मतलब इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर, मैदा, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लेने के बाद देखिए इस तरीके का पाउडर मैंने कर लिया है, छान लिया है। इसे भी हमने जो है मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लेंगे हम। और अब मैंने ये पानी के अंदर जो है ना वेनिला एसेंस मैंने ऐड कर लिया था, ये दोनों भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और एक मतलब अच्छा सा एक बैटर हो जाए, इसमें कोई लम्स नहीं रहे। देखिए एकदम सॉफ्ट सा और बहुत ही क्रीमी टाइप इसका आया है मिक्सिंग में। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैंने जो भी हम कंटेनर, पैन, मोल्ड जो भी लेंगे उसमें थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लेंगे और हमारा जो बैटर है ये पूरी तरीके से इसमें शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा टैप कर लेंगे हम ताकि अंदर जो है बबल्स ना रहे। और मैंने इसे 180 डिग्री में 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लिया था, प्री हीट कर लिया था पहले, उसके बाद हमने बेक कर लिया है। और देखिए हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है। मैंने नाइफ से इसे चेक कर लिया, ये बिल्कुल क्लीन, अच्छा पक चुका है, निकल चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। तो इसे ठंडा होने देते हैं हम, और ठंडा हो जाने के बाद जो है हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये दिखने में एकदम यमी सा है और बहुत ही आसानी से ये जो है ना डीमोल्ट हो चुका है। देखिए बहुत ही स्पंची और बहुत ही मज़े का, इतना सॉफ्ट ये केक बना है। और मैंने थोड़ा सा ही क्वांटिटी में बनाई थी और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा है। तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए तो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और ये बहुत ही मज़े का चॉकलेट केक बना है, बहुत ही यमी है।
उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ज़रूर आप ट्राई कीजिए, सीरियसली ये इतना मज़े का बना था और इतना स्पंजी ये है, देखिए एकदम सॉफ्ट और एकदम स्पंजी। अगर आप चाहे तो इसे मफिन के जो मोल्ड है उसमें भी आप डाल के जो है ना इसे मफिन बना सकते हो, और अगर आपको एक साथ ही इसे बेक करना है जैसे मैंने किया हुआ है तो ये बिल्कुल डायमंड शेप का जो है बहुत ही खूबसूरत सा इसका शेप बना है और इतना स्पंजी, इतना सॉफ्ट बना है। चलिए फिर मिलती हूँ मेरी एक न्यू रेसिपी को लेके, तब तक के लिए अपना ज़रूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।